ये क्या कर रहे हैं आप? इंग्लिश सीखना चाहते हैं लेकिन उसके लिए टाइम नहीं देना चाहते। दोस्तों, अगर आप सीरियस हैं इंग्लिश सीखने को लेकर, तो आप चाहे किसी का भी वीडियो देखिए, चाहे वो किसी और ने बनाया हो या मैंने बनाया हो, अगर आप उस वीडियो को इंग्लिश सीखने के लिए देख रहे हैं तो उस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप इंग्लिश सेंटेंसेस के टच में रहेंगे उतनी जल्दी और बेहतर इंग्लिश सीख पाएंगे। अब मर्जी आपकी है कि आपको जल्दी और अच्छी इंग्लिश सीखनी है या फिर काम चलाओ इंग्लिश सीखनी है लंबे टाइम लेकर। और आज आपका इंग्लिश फ्लुएंसी कोच आपको सिखाने जा रहा है यूसेज ऑफ वॉज विदाउट वर्ब। वॉज का इस्तेमाल आई ही शी नेम इट दैट और सिंगुलर के साथ किया जाता है। बिना वर्ब के वॉज का उपयोग हम यह बताने के लिए करते हैं कि कौन क्या था, कहाँ था या कैसा था। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा वॉज का उपयोग बिना वर्ब हम तब करते हैं जब हमें यह बताना हो कि कौन क्या था, कहां था या कैसा था। आई वॉज इन लव विद हर, मैं उसके प्यार में था। शी वॉज शाई, वह शर्मीली थी। दैट गर्ल वॉज इन माई स्कूल, वो लड़की मेरे स्कूल में थी। ही वॉज माई बॉस इन द प्रीवियस कंपनी, वह पिछली कंपनी में मेरा बॉस था। Her reply was yes, उसका जवाब हाँ था। He was unhappy with his job, वह अपनी नौकरी से नाखुश था। His mother was good at heart, उसकी माँ दिल से अच्छी थी। It was my mistake, गलती मेरी थी। The atmosphere of his home was relaxed, उसके घर का माहौल सुकून भरा था। He was totally unreliable as a friend, वह एक दोस्त के रूप में पूरी तरह से अविश्वसनीय था। She was underweight then. वह तब कम वजन की थी। Her leg was badly swollen after the accident. हादसे के बाद उसका पैर बुरी तरह सूजा हुआ था। She was sweaty. वह पसीने से तर थी। He was clearly superior to all the other candidates. वह स्पष्ट रूप से अन्य सभी उम्मीदवारों से बेहतर था। This was their fifth successive win. यह उनकी लगातार पांचवी जीत थी। He was a complete stranger to me. वह मेरे लिए एक पूरा अजनबी था। The company was in financial crisis. कंपनी वित्तीय संकट में थी। The ground was very soft after all that rain. उस बारिश के बाद जमीन बहुत नरम थी। He was polite and patient. वह विनम्र और धैर्यवान था। I was just horrified. मैं बस भयभीत था। The answer was obvious. उत्तर स्पष्ट था। He was astute at solving problems. वह समस्याओं को हल करने में कुशल था। He was constantly under surveillance. वह लगातार निगरानी में था। It was a stupendous achievement for me. यह मेरे लिए एक शानदार उपलब्धि थी। It was highly expensive mineral water. यह बेहद महंगा खनिज पानी था। It was very cold yesterday. कल बहुत ठंड थी। His future was at stake. उसका भविष्य दांव पर था। He was a doctor and so was his wife. वह एक डॉक्टर था और उसकी पत्नी भी डॉक्टर थी। He was a man with high self-esteem. वह उच्च आत्मसम्मान वाला व्यक्ति था। The film was absolute rubbish. फिल्म बिल्कुल बकवास थी। His essay was riddled with mistakes. उसका निबंध गलतियों से भरा हुआ था। Her face was red with rage. उसका चेहरा गुस्से से लाल था। I was unable to help you. मैं आपकी मदद करने में असमर्थ था। It was our first visit to देहरादून. यह देहरादून की हमारी पहली यात्रा थी। She was guilty and so was her husband. वह दोषी थी और उसका पति भी दोषी था। जहांगीरपुरी was infamous for crimes. जहांगीरपुरी अपराधों के लिए कुख्यात था। आइंस्टीन वॉज परहैप्स द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द प्रीवियस सेंचुरी। आइंस्टीन शायद पिछली सदी के सबसे बड़े वैज्ञानिक थे। शी वॉज एमिनेंटली सुटेबल फॉर द जॉब। वह नौकरी के लिए बेहद उपयुक्त थी। हर बिहेवियर वॉज डिसग्रेसफुल। उसका व्यवहार अपमानजनक था। ही वॉज अंडर डिल्यूजन दैट ही वॉज पॉपुलर। वह भ्रम में था कि वह लोकप्रिय था। द मॉल वॉज चॉक अ ब्लॉक विथ शॉपर्स। मॉल खरीदारों से पूरा भरा हुआ था। हर चीयरफुल फेस वॉज लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर इन माई लाइफ।
उसका हंसमुख चेहरा मेरे जीवन में ताजी हवा की तरह था। द व्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल वॉज रियली ब्यूटिफुल। पहाड़ी की चोटी से नजारा वाकई बहुत खूबसूरत था। इट वॉज 9 o'clock बाय माई वॉच। मेरी घड़ी के हिसाब से 9 बजे थे। द रिवर वॉज अबाउट 25 meters अक्रॉस। नदी लगभग 25 मीटर चौड़ी थी। इट वॉज अ सिक्लूडेड गार्डन। वह एक सुनसान बाग था। ही वॉज वेरी लेजी। वह बहुत आलसी था। दैट ब्रिज वॉज वेरी लॉन्ग एंड ब्रॉड। वो पुल बहुत लंबा और चौड़ा था। शी वॉज वेरी प्रिटी। वह बहुत खूबसूरत थी। ही वॉज अ डिलीजेंट बॉय। वह मेहनती लड़का था। दैट इज ऑल फ्रेंड्स फॉर टूडे। आई एम श्योर यू हैव लाइक दिस वीडियो। Please share it with as many people as you can and subscribe to this channel if you haven't subscribed to it yet. Thank you friends for watching this video. Bye friends.